जैक श्वेगन ने दुनिया के टॉप ट्रेडर का इंटरव्यू लिया और उन्होंने उनके इंटरव्यू से एक बुक लिखी जिसका नाम है मार्केट विजार्ड। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी कहानी देख सकें। हमारे पहले ट्रेडर हैं गैरी बेलफेल्ड। जब जैक इंटरव्यू के लिए ट्रेडर की तलाश कर रहे थे तब उन्होंने BLH का नाम सुना जो कि टी बॉन्ड्स में मेजर प्लेयर था। उन्होंने सोचा कि वो एक कंपनी होगी पर वो सिर्फ एक आदमी निकला जिनका नाम था गैरी बेलफेल्ड। तो कौन है गैरी बेलफेल्ड और वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशन को टक्कर देने के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो टी बॉन्ड फ्यूचर मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर बन गए। बेलफेल्ड ने अपने करियर की शुरुआत 25 साल की उम्र में की थी, स्टार्टिंग में $1,000 के साथ की। स्टार्टिंग में उनके पास इतना कम पैसा था कि वो बस एक कॉन का कॉन्ट्रैक्ट ले पाते थे। इतनी छोटी सी शुरुआत के बाद भी उन्होंने अपने अकाउंट को इतना बड़ा बना लिया, आखिर उन्होंने कैसे किया? बेलफेल्ड डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि एक एरिया को पकड़िए और उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। बेलफेल्ड के लिए वो एरिया था ग्रेन मार्केट, स्पेशली सोयाबीन। बेलफेल्ड स्टार्टिंग से ही एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते थे लेकिन लिमिटेड कैपिटल की वजह से मुश्किल हो रही थी। उस टाइम पर वो अपना जीवन चलाने के लिए एक छोटा सा ब्रोकरेज ऑफिस चलाते थे। वो हमेशा सोचते थे कि उतने छोटे कैपिटल के साथ वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनेंगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए 1965 में उन्होंने एक रिस्क की पोजीशन लिया। उन्होंने अपने $1,000 अकाउंट से लेवरेज लेके $10,000 की पोजीशन ली। उन्होंने सोयाबीन के 20 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। उन्होंने इतना लेवरेज लिया था कि अगर 10% भी मार्केट नीचे आता तो उनका अकाउंट ज़ीरो हो जाता। स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ा नीचे गिरा जिसकी वजह से उनको एक बार मार्जिन कॉल भी आया। बेलफेल्ड ने पोजीशन को होल्ड ही रखा और फिर प्राइसेस ऊपर को चले गए। उस एक सिंगल ट्रेड ने उन्होंने अपना पैसा डबल कर लिया और वो अपने फुल टाइम ट्रेडर के सपने में एक कदम आगे बढ़ गए। बेलफेल्ड ने अपने अकाउंट को कंसिस्टेंटली ग्रो किया। 1980s की शुरुआत में उनके पास इतना फंड था कि गवर्नमेंट को सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट में हैवी पोजीशन बनाने में लिमिट लगानी पड़ी जिसके कारण 1983 में उनका एक ट्रेड गलत चला गया और उनका लॉस हो गया। उस दिन से उन्होंने अपना फोकस टी बॉन्ड्स में लगाया जिसमें उस टाइम पर पोजीशन लेने की कोई लिमिट नहीं थी। बेलफेल्ड कहते हैं 1983 का जो ट्रेड गलत गया था उनके साथ सबसे अच्छी चीज़ वही हुई थी क्योंकि उसकी वजह से उनका ध्यान टी बॉन्ड्स की तरफ आए। उसी टाइम पर मार्केट अपना बॉटम बना रही थी तब बेलफेल्ड ने टी बॉन्ड्स में हैवी पोजीशन ली और जब 1984 से 1986 में मार्केट ऊपर गई तो बेलफेल्ड ने अपने लेवरेज पोजीशन की वजह से खूब पैसा कमाया। इस तरह से एक कॉन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने वाला ट्रेडर टी बॉन्ड्स का इतना बड़ा प्लेयर बन गया। आइए उनके ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानते हैं। बेलफेल्ड कहते हैं कि नए ट्रेडर को ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए जिससे वो सीखे कि अपने प्रॉफिट को बढ़ने दिया जाए और लॉसेस को कब कट करना है। वो कहते कि मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस को सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करता हूँ। उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया था और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम में क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे डेवलप करें, तो आपको ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बुक समरी वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेलफेल्ड कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि आपको कब पोजीशन एग्जिट करनी है और वो कहते हैं कि 1988 में टी बॉन्ड्स में मैंने एक लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठा था क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी बट मार्केट नीचे जाने लगी और मेरे ट्रेडिंग सिस्टम ने मुझे सिग्नल दे दिया कि मुझे एग्जिट कर देना चाहिए और मैं लॉस होने से बच गया। इसलिए ट्रेडर को फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज होनी चाहिए। बेलफेल्ड कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर की दो ट्रेड्स हैं, डिसिप्लिन और पेशेंस। सबसे अच्छा तरीका है डिसिप्लिन और पेशेंस सीखने का कि आप जब भी ट्रेड लें उससे पहले ये सोच लें कि उस ट्रेड के हर एंगल क्या क्या हो सकते हैं जिससे ये होगा कि आप कोई भी नई न्यूज़ आएगी उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमेशा आपका पेशेंस बना रहेगा। ज़्यादातर ट्रेडर ओवर ट्रेड करते हैं इसलिए वो लॉस उठाते हैं। दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की हैबिट सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। हमारे अगले ट्रेडर हैं एड सिकोटा। एड सिकोटा उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर रहे हैं। इन्हें एक मेजर ब्रोकरेज फर्म द्वारा हायर किया गया जहां उन्होंने क्लाइंट्स के पैसे को मैनेज करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया।
ये सिस्टम बहुत प्रॉफिटेबल था, बट मैनेजमेंट के बार बार दखलंदाजी के कारण एड सिकोटा ने वो फर्म छोड़ दिया और अलग से काम करने लगे। फिर उन्होंने अपना और कुछ क्लाइंट का पैसा खुद मैनेज करना स्टार्ट किया। 1972 में उनके एक क्लाइंट का $5,000 का अकाउंट था, उसमें उन्होंने 250,000% रिटर्न दिया और एक क्लाइंट का अकाउंट उन्होंने ग्रो करके $10 मिलियन का कर दिया। जब जैक श्वेगर माइकल मार्कस का इंटरव्यू ले रहे थे, तब उन्होंने जैक को सजेस्ट किया कि तुम्हें एड सिकोटा का इंटरव्यू लेना चाहिए। माइकल ने कहा कि वो सिर्फ एक ग्रेट ट्रेडर नहीं है, वो एक सोच है। एड सिकोटा का डेस्क बाकी ट्रेडर की तरह नहीं रहता, उनका डेस्क में एक भी स्क्रीन नहीं रहती, उनका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बस कुछ कमांड्स में हो जाता है। वो बस अपने सिस्टम में कुछ कमांड्स डालते हैं जो उनको अगले दिन के लिए ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट कर देते हैं। एड सिकोटा कहते हैं कि साइकोलॉजी और ट्रेडिंग सेम है। उनकी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई जब 1960 में उन्हें लगा कि सिल्वर का प्राइस बढ़ना चाहिए, क्योंकि US गवर्नमेंट ने सिल्वर को सेल करना बंद कर दिया। उन्होंने एक कमोडिटी मार्जिन अकाउंट खोला सिल्वर खरीदने के लिए, पर उनके ब्रोकर ने कहा कि कॉपर को शॉर्ट कर दो, और फिर कुछ टाइम बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उन्होंने इस उम्मीद से कि सिल्वर में बुल मार्केट स्टार्ट होगा, सिल्वर को बाय किया, बट उनके लिए ये काफ़ी सरप्राइज था कि प्राइस गिरने लगा, जबकि इतनी अच्छी न्यूज़ थी सिल्वर में। तब उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि मार्केट न्यूज़ को डिस्काउंट करती है। कुछ दिनों बाद उन्होंने रिचर्ड डोनशियन का एक पेपर पढ़ा, जिसमें एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था जो कि मार्केट को बीट कर सकता था। इसकी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सिकोटा ने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और ये बात सही निकली। ये चीज़ उन्हें इतनी फैसिनेटिंग लगी कि वो फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगे। उनका फर्स्ट ट्रेडिंग सिस्टम में उन्होंने डोनशियन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किया था। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, जिसमें कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होता है और कुछ एल्गोरिथम भी इन्वॉल्व होते हैं। एड सिकोटा कहते हैं कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं देखता, क्योंकि प्राइस उन्हें पहले डिस्काउंट कर चुकी होती है, और मैं चार ट्रेडिंग को इम्पोर्टेंस देता हूँ। वो कहते हैं कि एक अच्छे ट्रेडिंग के तीन एलिमेंट होते हैं, कटिंग लॉसेस। वो किसी भी ट्रेड में 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। उनका मानना है कि पर्सनल लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ लिंक होती है, इसलिए आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब आपका माइंड शांत हो और टेंशन फ्री हो। उनके ट्रेडिंग के कुछ 5 रूल्स हैं। पहला है लॉसेस को कट करना, दूसरा है विनर्स को चलते रहना, तीसरा छोटी छोटी पोजीशन लेकर टेस्ट करना फिर बड़ी पोजीशन बनाना, चौथा रूल्स को फॉलो करना, और 5वां रूल है कि ये जानना कि रूल को कब तोड़ना है, उसकी समझ होना। एड सिकोटा कहते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ड्राइवर है और एनालिसिस रोड मैप, इसलिए आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर की। वो मानते हैं कि मार्केट में जो जिस उम्मीद से आता है उसे वही मिलता है। लोग हमेशा जीतना चाहते हैं, जब उन्हें लॉस होता है तो वो कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि लॉस होगा, और वह सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हमें हमेशा गोल सेटिंग और विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपना ध्यान प्रॉफिट में लगा सकें। अब चलते हैं हम अपने अगले ट्रेडर पे, जिनका नाम है लैरी हाइट। लैरी हाइट का फाइनेंशियल मार्केट में आना तो उनका कॉलेज कोर्स से डिसाइड हो गया था, बट उनका वॉल स्ट्रीट में आने की कहानी एक अलग ही है। कॉलेज में उनके कुछ खास मार्क्स नहीं आए थे, और फिर वो स्क्रीन राइटर और एक्टर बन गए, क्योंकि उनको भी स्क्रिप्ट लिखना अच्छा लगता था, पर उनकी कोई भी स्क्रिप्ट हिट नहीं हुई। वो सोचते थे कि इससे रोजी रोटी तो मैं चला ही सकता हूँ। एक दिन उन्होंने एचएल हंट को रेडियो पर कहते सुना कि उन्होंने ऑयल राइट ऑप्शन को खरीद कर बहुत पैसा कमाया है। लैरी ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूँगा, पर उसी रात को उनकी मुलाकात बीटल्स के बैंड मैनेजर के साथ हुई, और उन्होंने फिर एक नया करियर के बारे में सोच लिया जो कि था रॉक प्रमोटर। उसमें भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। उनका रियल इंटरेस्ट फाइनेंस मार्केट में ही रहा। उन्होंने शुरुआत में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम किया और बाद में वो फंड मैनेज करने लगे। लैरी कहते हैं कि मार्केट चेंज हो सकती है, पर लोग चेंज नहीं होते, ना उनका बिहेवियर चेंज होता है, और मार्केट लोगों के सेंटिमेंट से ही चलती है। उनके दोस्त ने उनको 2 लेसन बताए। पहला, अगर तुम ट्रेडिंग को अपने लाइफस्टाइल में अफेक्ट नहीं करने दोगे तो तुम्हारे साथ कभी कोई कुछ बुरा नहीं होगा। और दूसरा रूल था अगर तुम सोच लोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है और उसके लिए तैयार रहोगे तो तुम हमेशा मन से आज़ाद ही रहोगे। इन 2 लेसन को उन्होंने अपना ट्रेडिंग का सार बना लिया। लैरी एक रिस्क एवर्स ट्रेडर रहे हैं। वो हमेशा 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। इसके पीछे कहानी है।
जब लैरी पहली बार कॉमोडिटीज़ में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने देखा कि अगर वो पॉर्क बैली को सितंबर में ख़रीदते हैं और जुलाई में बेचते हैं तो उन्हें हमेशा प्रॉफिट ही होता है, तो वो उन्होंने अपने दोस्तों से मिलके फ़ंड जमा किया और अपना पैसा डबल भी कर लिया। अब वो अपने आप को जीनियस समझ रहे थे। उनके एक दोस्त जो कॉर्न मार्केट में डील करता था, उन्होंने लैरी को भी कहा कि इसमें भी ट्रेड किया जाए। दोस्त के कहने पर उन्होंने कॉर्न मार्केट में ट्रेड लिया, उन्होंने हैवी पोजिशन बना ली और कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ने क्रॉप एस्टिमेट निकाले, जिसकी वजह से जब उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली थी तब उसमें लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए। और लैरी जो है ऑफिस से भागते हुए बाहर आए और घुटनों के बल बैठे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान लॉस भले ही हो जाए लेकिन पूरे अकाउंट को अब नेगेटिव मत होने देना। तब से वो हमेशा रिस्क को कंसिडर ज़रूर करते हैं। लैरी कहते हैं कि लोग दो कारणों की वजह से लॉस उठाते हैं, पहला वो रिस्क को रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरा वो ट्रेड जो है बायस होकर करते हैं जबकि उन्हें स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज़ करना चाहिए। उनके रिस्क कंट्रोल के चार प्रिंसिपल हैं। पहला, वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते और वो हमेशा सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरा रूल है मैक्सिमम 1% का रिस्क, उससे ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेते। तीसरा लेसन है वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, वो हमेशा एक से ज़्यादा सिस्टम यूज़ करते हैं और जो मेजॉरिटी होता है उसकी तरफ जाते हैं। चौथा रूल है वो हमेशा वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते हैं ताकि जिस दिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो वो ट्रेडिंग बंद कर सकें। मार्केट विजर्ड के अगले ट्रेडर हैं माइकल स्टेनहार्ड। माइकल की स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी, जब उनके पापा ने उन्हें एक स्टॉक के 200 शेयर्स गिफ्ट किए थे। जब उनके दोस्त गली क्रिकेट खेल रहे थे तब वो अपने पापा के साथ लोकल ब्रोकर ऑफिस जाते थे ये देखने कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। और आज माइकल की नेटवर्थ है $1 बिलियन, जो कि है लगभग 75,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। चलिए देखते हैं उनके इस मुकाम पर पहुँचने तक का सफ़र कैसा रहा। माइकल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और 1960 में उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जॉब की और कुछ ही सालों के बाद वो एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट बन गए। 1967 में उन्होंने दो पार्टनर के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली और उनके फर्म का रिटर्न S&P 500 के रिटर्न को बीट करने लगा। 21 सालों तक उनके फर्म ने 30% का कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है। अगर किसी ने 1967 में उनके फर्म में $1,000 इन्वेस्ट किए होते तो 1988 में उसके पास होते $93,000। इसके कंपैरिजन में किसी ने वो $1,000 S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो 1988 में उनके पास होते सिर्फ $6,400। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहे हैं, उन्हें लॉस भी हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने लॉस को सिर्फ 2% तक ही लिमिट किया है। उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न कैसे जनरेट किया, इसका जवाब मिलेगा आपको उनके ट्रेडिंग माइंडसेट में। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर दोनों ही हैं। वो स्टॉक को शॉर्ट्स भी आसानी से कर लेते हैं और बाय भी। इसके अलावा जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वो कभी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। वो अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी को वेरिएंट परसेप्शन कहते हैं, जिसका मतलब है जो जनरल लोगों की परसेप्शन है उससे अलग भी होना, जिसे हम कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइकल ने जेंटेक कंपनी का स्टॉक शॉर्ट किया क्योंकि उस कंपनी का एक ही ड्रग बहुत बिक रहा था और उसकी कॉस्ट कम थी। माइकल का परसेप्शन के हिसाब से वो एक साल में $10 के नीचे आ जाएगा, जो कि तब $65 था। सब लोग उस स्टॉक को लेकर बुलिश थे क्योंकि ड्रग बहुत पॉपुलर था, इसलिए स्टार्टिंग में माइकल को बहुत सारा लॉस भी दिखाई दे रहा था। लेकिन माइकल ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट नहीं की क्योंकि उन्हें अपने एनालिसिस पर भरोसा था और अपने जो परसेप्शन व्यू है उस पर भी यकीन था। और धीरे धीरे स्टॉक $15 तक आ गया। माइकल तब तक कोई पोजीशन एग्जिट नहीं करते जब तक उनका व्यू चेंज ना हो जाए। अपने परसेप्शन वेरिएंट व्यू की वजह से वो सक्सेसफुल बने। कभी कभी जब पोजीशन उनके अगेंस्ट जाती थी तब वो कुछ बाइंग भी कर लेते थे हेजिंग करने के लिए, बट उनकी मेजर पोजीशन शॉर्ट की रहती थी और वो तब तक बनी रहती थी जब तक कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते। माइकल कहते हैं कि मैं ब्रेकआउट्स नहीं देखता, मैं चार्ट्स नहीं देखता और मैं बाइंग के मेरे कोई रूल्स भी नहीं है। माइकल स्टॉक को बहुत करीब से स्टडी करते हैं, उसके प्राइस को, उसके प्राइस पैटर्न को, और वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो किसी भी स्टॉक में तब तक पोजीशन चेंज नहीं करते जब तक वो रीज़न ना चला जाए जिसके कारण उन्होंने बुलिश व्यू या फिर बियरिश व्यू रखा था। वो बिलीव करते हैं कि मार्केट में हमेशा एक पज़ल होता है जिसे एक ट्रेडर को समय से पहले सॉल्व करना होता है। जैसे जब रिसेशन आने वाला होता है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, जिसके कारण इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है। तो आप इन सारी कड़ियों को पहले ही जोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पज़ल अपने आप सॉल्व हो गया तब बहुत देर हो जाती है। माइकल कहते हैं कि एक अच्छी ट्रेडिंग के दो चीज़ें होती हैं, पहली कि आपको अपने ट्रेड में कितना कन्विक्शन है
और दूसरी कि आप कितनी जल्दी अपनी गलती को मान लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर रखना होता है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। हमारे अगले ट्रेडर हैं मार्टी सैक्वार्ट्स। मार्टी एक ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने ट्रेडिंग रूटीन को पूरी श्रद्धा से फॉलो करते हैं। वो रोज़ अपना एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले मार्टी 10 सालों तक पैसा गंवा रहे थे। शुरुआती सालों में वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब कर रहे थे और तब वो मार्केट में लॉसेस खा रहे थे। फिर उन्होंने अपने ट्रेडिंग मेथड को चेंज किया। मार्टी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हैं और वो अपने घर से ही ट्रेड करते हैं। उनके पास कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। वो ट्रेडिंग की दुनिया में फेमस हुए जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ट्रेडिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करके 4 मंथ के ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन में सब कंटेस्टेंट से ज़्यादा पैसा कमाया, इसलिए उन्हें चैंपियन ट्रेडर के नाम से भी जाना जाता है। मार्टी बचपन से ही हार्ड वर्किंग थे और 8 साल की उम्र में वो बर्फ हटाने से पैसे कमाते थे। तब से लेकर आज तक वो रोज़ 12 घंटे काम करते हैं। वो अपना एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, चार्ट बनाते हैं। वो हर कोशिश करते हैं जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहे, और उनके कॉम्पिटिटर हैं बाकी ट्रेडर्स। अपने स्कूल टाइम से ही उन्हें हेल्दिंग कॉम्पिटिशन की इम्पोर्टेंस का पता चल गया था, और स्कूल के दौरान उन्होंने सीखने की प्रोसेस को इंजॉय करना सीख लिया था। दोस्तों, हम सभी को लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और एक ट्रेडर को न्यू मेथड्स और ट्रेडिंग सिस्टम सीखते रहना पड़ता है ताकि वो मार्केट में हमेशा बने रहे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होना चाहिए। कॉलेज के बाद मार्टी मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गए। वहाँ उन्होंने सीखा कि प्रेशर को कैसे झेलते हैं और हाई प्रेशर में भी शांत होकर काम कैसे किया जाए, जो कि बाद में उनके ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। मरीन कॉर्प्स से लौटने के बाद उन्होंने MBA किया और क्यून लैब नाम की कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब करने लगे। 2 साल काम करने के बाद अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने जॉब चेंज की और वो एक XYZ कंपनी में चले गए। मार्टी की एक्सपर्टीज रिटेल और हेल्थ सेक्टर में थी। उस टाइम पर वॉल स्ट्रीट में कोई भी बियरिश रिपोर्ट नहीं लिखता था, और सबको यही बोला जाता था कि बुलिश रिपोर्ट लिखा जाए ताकि सबको ये बताया जाए कि मार्केट ऊपर जाएगी। उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर एक बियरिश रिपोर्ट लिखी, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उस बुरे एक्सपीरियंस के बाद वो अकेले काम करने लगे। उनका अब कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता था। तब वो रिपोर्ट बनाते थे पर उनका मन नहीं करता था। तब उन्होंने पाया कि मार्केट का टॉप बन रहा है, जिसका मतलब था मार्केट गिरने वाली थी। तब उन्हें टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट आने लगा। मार्टी को बुलिश रिपोर्ट लिखने को ही कहा गया, पर मार्टी सच को कैसे नजरअंदाज करते कि मार्केट गिर रही थी। जब मार्केट गिरी तो उनकी जॉब तो चली गई। मार्टी कहते हैं कि उन 4 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके पास तब $20,000 थे और उन्हें एक ट्रेडर मिला जो कंप्यूटर की मदद से ट्रेड करता था। उसके सिस्टम में बहुत सारे मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन यूज किया था। मार्टी ने अपने कुछ पैसा उसे दिया ट्रेड करने के लिए, जो कि ज्यादातर उसने गवा दिया। उसके बाद उनके पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने एक दूसरी जॉब ढूंढ ली। वहां उनकी मुलाकात हुई बॉब ज़ेलनर से, जो कि एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे। वो अकेले ही पूरे फर्म के लिए पैसा जमा करते थे, वो भी स्टॉक्स को शॉर्ट करके। मार्टी ने वहां भी सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब की। फिर कुछ सालों बाद वो जॉब भी छोड़ दी। जब 1978 में उनकी शादी हुई और उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई, और उनकी वाइफ उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती थी ताकि वो और मेहनत कर सके, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब सक्सेसफुल बनेंगे। वो ऑफिस में अकेले रिपोर्ट लिखते थे ताकि उन्हें जब भी टाइम मिले तब वो मार्केट को देख सकें और स्टॉक्स को एनालाइज कर सकें। वो बॉब ज़ेलनर से अक्सर हेल्प लिया करते थे कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मार्टी एक फंडामेंटल एनालिस्ट से टेक्निकल एनालिस्ट बन गए। वो कहते हैं कि 9 सालों तक मैं फंडामेंटल एनालिस्ट था, बट मैं अमीर बना हूं तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के कारण। उनके सक्सेसफुल ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं जो हमें भी फॉलो करने चाहिए। पहला रूल है, किसी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले वो हमेशा चार्ट्स को देखते हैं। ये चेक करते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा पॉइंट है, क्या मार्केट और स्टॉक्स में कोई डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस वो होता है जब स्टॉक्स ऊपर जाता है और मार्केट नीचे जाती है, या फिर मार्केट ऊपर जा रही होती है और स्टॉक्स नीचे जा रहा होता है, तब एक डाइवर्जेंस बन जाती है और डाइवर्जेंस ज्यादातर फेल होता है। तीसरा रूल है, लगातार कुछ दिन प्रॉफिटेबल होने के बाद थोड़ा रेस्ट लें। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। चौथा रूल है, वो अपना एंट्री पॉइंट प्लान करते हैं कि किस पॉइंट पर वो एंट्री लेंगे। पांचवा रूल है, कभी भी स्टॉक के बॉटम को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्टी जानते हैं कि कभी भी आप बॉटम और टॉप को पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो कभी ऐसे कोशिश नहीं करते कि मैं प्रिसाइजली बॉटम पकड़ूं। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में एंट्री लेते हैं। छठा रूल है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आपको कितना लॉस हो सकता है। ये रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लॉस कर देंगे तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सातवां रूल है, आपके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए, सही होने की नहीं। आप हमेशा सही तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रेडर की अगर एक्यूरेसी 51 भी है, लेकिन वो अगर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करता है तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है।
तो इसलिए आपको कभी भी, जब भी आप गलत हों, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो चुपचाप आपको एग्जिट कर देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी या मार्केट जो है वापस रिकवर करेगी। मार्टी कहते हैं कि एक ट्रेडर को इसलिए लॉस होता है क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मानता। जब उसे लॉस होता है तो वो सोचता है कि एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो निकलूं। इसलिए ट्रेडर हमेशा वेट करता है कि वो उस पॉइंट पर वापस आ जाए जहां पर उसने खरीदा था। एक ट्रेडर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से ही लॉस उठाता है। हमारे पहले ट्रेडर हैं जेम्स बी रॉजर्स। जेम्स बी रॉजर ने 1968 में सिर्फ $600 से ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और 1973 में उन्होंने अपने पार्टनर जॉर्ज सोरो के साथ क्वांटम फंड खोला। उनसे जब भी इन्वेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है तो उनके जवाब एक अलग ही क्लियरिटी होती है। वो बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं। वो कभी भी गोल गोल घुमा के आंसर नहीं देते। वो हमेशा कॉमन सेंस की बातें करते हैं। कभी कभी वो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे, पर फिर भी हम उन्हें इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर ही कहते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर मार्केट की मूवमेंट का फायदा उठाता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो दोनों ही केस में, दोनों ही सिचुएशन में पैसा कमाता है। लेकिन एक इन्वेस्टर हमेशा कोशिश करता है कि वो बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करे जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक्स को बाय करता है और उन्हें होल्ड रखता है। जेम्स अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं क्योंकि 1982 में उन्होंने जर्मन स्टॉक्स खरीदे और उन्हें 3 साल के लिए होल्ड रखा और 1986 में उन्हें बेच दिया। आप ये वीडियो देखिए और आप ही कमेंट कीजिए कि वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। जेम्स कहते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्टिंग सीखनी है तो उसे खाली बैठना सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पैसा तभी बनता है जब आप कुछ नहीं करते। बहुत सारे नए ट्रेडर हैं जो खाली नहीं बैठ सकते। उन्हें चाहिए कि वो अपने पैसे से हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। वो किसी दिन अपना पैसा डबल करते हैं और सोचते हैं कि वो स्मार्ट हैं, और अगले दिन उसे गवा देते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कन्विक्शन के साथ खाली बैठना चाहिए। जब तक मार्केट कोई सिग्नल ना दे तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जेम्स कहते हैं कि मैं तब तक कोई ट्रेड नहीं लेता जब तक मार्केट में पैसा ना दिख रहा हो। ये वही समय होता है जब सारे फैक्टर आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब लोग पैसा गवा देते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे इन्हें वापस लेना है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे ये पैसे वापस आ जाएं। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत सोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आपको पैसे वापस लाना है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उस समय का इंतजार करना चाहिए, उस परफेक्ट ट्रेड का इंतजार करना चाहिए जब मार्केट खुद आपके सामने कोई ऐसा पैटर्न लाए जिससे आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि मैं वैल्यू को बाय करता हूँ और हिस्टीरिया को बेचता हूँ। हिस्टीरिया कुछ इस तरह होता है, जब मार्केट बहुत लो पर चली जाती है तो कुछ लोग उसे बाय करते हैं क्योंकि वो अंडरवैल्यूड होती है। फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, चार्ट्स अच्छे दिखते हैं और लोग जाके उसको बाय करते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब सब लोग उसे बाय कर रहे होते हैं, चाहे उसकी ओवर वैल्यू प्राइस हो या फिर अंडर वैल्यू हो, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो कौन सा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, क्या टेक्निकल शो कर रहा है या फिर उसके फंडामेंटल क्या है। बट सब लोग बाय कर रहे होते हैं इसलिए वो उसी धुन में वो भी लोग भी बाय करते हैं, तो बिना सोचे समझे लोग खरीदने लगते हैं। उसी स्टेज को हम हिस्टीरिया कहते हैं। ऐसा आपने फील किया होगा जब 2020 मार्च के बाद की सिचुएशन, जब मार्केट 6000 से 12000 तक चली गई थी और फिर धीरे धीरे वो 18000 तक चली गई। हिस्टीरिया दोनों साइड हो सकता है, बुल साइड भी और बियर साइड भी। इसलिए जरूरी ये है कि आप वो देखें जो बाकी लोग नहीं देख रहे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। एक बार जेम्स ने सोयाबीन को $9.6 में बेचा था जबकि वो लगातार बढ़ रहा था। उनके ट्रेडर दोस्तों ने सोयाबीन को खरीदा था, पर जेम्स कहते हैं कि मैं हिस्टीरिया को बेचता हूँ। वो तब बेचते हैं जब मार्केट गैप्स में मूव करने लगे। उनकी टाइमिंग सही नहीं होती पर उनके ट्रेड सही होते हैं। एक बार 1980 में उन्होंने गोल्ड को $675 में शॉर्ट किया जबकि गोल्ड बहुत बुलिश लग रहा था। उन्होंने गोल्ड का टॉप बनने से 4 दिन पहले उसे शॉर्ट किया और इसके बाद गोल्ड $200 ऊपर गया, लेकिन उन्हें अपने ट्रेड में कन्विक्शन थी इसलिए उन्होंने प्रॉफिट कमाया। जब मार्केट में हिस्टीरिया होता है तो ट्रेड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है। जेम्स को जब भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है वो या तो स्टॉक्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं, लेकिन वो कभी भी ऑप्शन को बाय नहीं करते, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90% ऑप्शंस जो हैं वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। इसलिए हमेशा ऑप्शन सेलर ही ज़्यादा पैसा कमाता है, मतलब उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर जेम्स मार्केट को लेकर बियरिश हैं तो वो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं, अगर वो बुलिश हैं तो पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं। अगर आप भी ऑफिस जाने के साथ साथ एक साइड इनकम के तौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी बहुत ही मिनिमल सी फीस है और मैं उसे फ्री भी कर सकता था, लेकिन फ्री जब लोग आदमी को सीखता है तो उसको याद नहीं रहता, इसलिए उसकी मिनिमल सी फीस रखी गई है। आप उसको ज़रूर देख सकते हैं।
और बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंस्टाग्राम में आप स्टोरीज देखने के लिए या फिर प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम के ट्रेडिंग चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जेम्स अपनी पोजीशन तब क्लोज करते हैं जब मार्केट से हिस्ट्रीया खत्म होने वाला होता है। उनके ज़्यादातर दोनों साइड की पोजीशन होती हैं, लॉन्ग्स भी और शॉर्ट भी। वो हमेशा अपनी पोजीशन को परफेक्टली हैज करके चलते हैं। जो लोग पैसा गंवाते हैं वो हमेशा मार्केट को ब्लेम करते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ थी, शॉर्ट सेलर के कारण क्रैश हो गया। एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये कारण मुझे क्यों नहीं पता थे। मार्केट में कारण हमेशा होते हैं, हम बस उन्हें इग्नोर करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यही एक कारण है कि हम लॉस उठाते हैं। जेम्स स्टॉक मार्केट में तब आए जब 1964 में वे अपना स्कूल खत्म किया और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें एक आदमी ने वॉल स्ट्रीट में जॉब दिलाई। तब उन्हें कुछ नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में क्या अंतर है। इस समर जॉब के बाद ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया। जहां बाकी अमेरिकन को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, जेम्स फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते थे। कॉलेज के दौरान वो अपने स्कॉलरशिप के पैसों को इन्वेस्ट करते थे और उन्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिल रहा था। 1964-65 के दौरान बुल मार्केट चल रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ पैसा भी कमाया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि तब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था। कुछ सालों बाद जिस दिन उनका आर्मी का आखिरी दिन था, वो सीधा गए और वॉल स्ट्रीट में जाके उन्होंने जॉब ढूंढने लगे और फिर वो एक जूनियर एनालिस्ट की जॉब करने लगे। उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने सब इन्वेस्ट कर दिया। जब उनकी बीवी कहती थी कि हमें टीवी चाहिए, और वो क्या करते थे, टीवी के पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे और बोलते थे कि हम 10 टीवी ले लेंगे। इस तरह उन्होंने सोफे के लिए जो पैसे बचे थे उसे भी इन्वेस्ट कर दिया। जूनियर एनालिस्ट के तौर पे वो मशीन टूल्स और एडवर्टाइजिंग के स्टॉक्स को स्टडी करते थे। 1968 में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तब मार्केट का टॉप बन रहा था, इसलिए उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। फिर भी 1970 के एंड तक आते आते उनके पास कुछ पैसा बच गया। उन्हें लगा बियर मार्केट स्टार्ट होगी, तो उन्होंने पुट ऑप्शन को बाय किया और मई तक अपना पैसा ट्रिपल कर लिया। उसके बाद उन्होंने स्टॉक्स को शॉर्ट करना स्टार्ट किया और सितंबर तक आते आते वापस से अपना पैसा गंवा दिया। वो कहते हैं कि मेरे इन्वेस्टिंग के पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसमें बहुत कुछ सीखा। वो एक जीनियस से बेवकूफ बन गए। उसके बाद उनके पास जो भी बचा था घर के बजट से उन्होंने सब मार्केट में लगा दिया। उन्होंने करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट किया। जब उन्हें लगा कि डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है, उसके बाद वो कमोडिटीज में आए और फिर धीरे धीरे वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी ट्रेड करने लगे। जेम्स रॉजर के ट्रेडिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है बाय वैल्यू। अगर आप वैल्यू को बाय करेंगे तो आपकी टाइमिंग अगर गलत भी हो तब भी आप पैसा कमा लेंगे। दूसरा है वेट फॉर अ कैटलिस्ट। लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट का बॉटम बन रहा है तो उसमें पैसा लगा देना चाहिए, पर जेम्स कहते हैं कि मार्केट का बॉटम में काफी समय तक रह सकती है। मार्केट कभी कभी डेड हो जाती है, तो इसके कारण किसी भी रेंज में मार्केट काफी सालों तक रह सकती है। इसलिए आपको तभी मार्केट में पैसा लगाना चाहिए जब उसमें कोई कैटलिस्ट हो, जैसे कोई बड़ी न्यूज हो या फिर कोई अपडेट आने वाला हो या फिर कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आने वाला हो, तब जाके आप उसे बॉटम में खरीद सकते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल सेल हिस्टीरिया। आपको वेट करना है हिस्टीरिया का और ये चेक करना है कि क्या मार्केट गलत हो सकती है, क्या ये फंडामेंटली सपोर्टेड है या नहीं है। अगर मार्केट का मूव फंडामेंटली सपोर्टेड नहीं है तो ये हिस्टीरिया के चांसेस हैं और तब आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चौथा प्रिंसिपल है बी वेरी सेलेक्टिव। आपको हमेशा सही ट्रेड का इंतजार करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है नेवर फॉलो कन्वेंशनल विजडम। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो आप कभी भी उस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे जो पहले ही ट्रिपल हो चुका है। लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि यार ये स्टॉक जो है 10 रुपए का था अब वो 30 का हो गया है, तो हो सकता है वो 30 से 300 चले जाए, और वो उसे बाय कर देते हैं और फिर उसका उनका धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। 1970 में उन्होंने जॉर्ज सोलो से मिले और 1973 में उन्होंने मिलकर क्वांटम फंड की शुरुआत की। क्वांटम फंड में 2 अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करती थी, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज, करेंसीज। जॉर्ज सोरो उस फर्म के ट्रेडर थे और जेम्स एनालिस्ट थे। उन्होंने 3 लोगों से फंड स्टार्ट किया और 1979 तक उस फर्म में 15 लोग हो गए। बढ़ते एम्प्लॉय के साथ उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी, कि जैसे एम्प्लॉयज को रेज चाहिए था या फिर वेकेशन चाहिए था। जेम्स को ये सब पसंद नहीं था, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते थे। और 1980 में उन्होंने क्वांटम फंड छोड़ दिया और रिटायर हो गए और फिर वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गए। इसके साथ ही वो कॉलेज में इन्वेस्टमेंट के कोर्स भी पढ़ाते हैं। अगर आपको जॉर्ज सोरो की कहानी सुननी है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने $1 बिलियन किस बेसिस पर शॉर्ट किया, आखिर वो क्या था जो सबसे बड़ा ट्रेड माना जाता आज तक का, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको आने वाले वीडियोस जरूर बनाऊंगा। और अब चलते हैं अपने अगले ट्रेडर पर, जिनका नाम है मार्क विंस्टन।
मार्क विंस्टन एक फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले एक रियल स्टेट ब्रोकर थे। उन्होंने जब पहली बार ट्रेड किया तो उन्होंने बड़ी आसानी से अपना सारा पैसा गवा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सबक लिया कि मैं स्टॉक मार्केट को सीखूंगा। तब जाके उन्होंने स्टॉक मार्केट को पढ़ा, पैटर्न्स को सीखा और ये सीखा कि ट्रेडिंग के लिए क्या जरूरी है। अपने इतना लॉस करने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग में महारत हासिल की। 1972 में वो एक रियल स्टेट ब्रोकर थे। उनका एक स्कूल दोस्त था जो कि कमोडिटी ब्रोकर था। उनके पिता जुआ खेलते थे और वो परसेंटेज कैलकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट थे। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग मेरे खून में है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने एक कमोडिटी अकाउंट खुलवाया था जिसमें $8,400 थे। उन्होंने एक एनालिस्ट के कहने पर कॉर्न के कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए और 3 दिन बाद उनका अकाउंट $8,004 से $7,800 का हो गया। ये उनका पहला ट्रेड था। अपने पहले ट्रेड में पैसा गंवाने के बाद मार्क को ये समझ आया कि बिना सूखे तो कुछ नहीं होगा। उन्हें पता था कि एक अच्छा ट्रेडर बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाना चाहते थे। वो कुछ थ्रिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेहनत की, इसलिए उन्होंने वो रिस्क लिया। उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और $24,000 जमा किए, जिसमें से $4,000 उन्होंने घर खर्चे के लिए निकाले और $20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। मार्क कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए काफी मेहनत की, काफी पढ़ाई की। मैंने गोल्ड मार्केट को सीखा, चार्ट रीड करना सीखा और उन्होंने ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन के बारे में भी सीखा। ओवरबॉट तब होता है जब मार्केट या स्टॉक को काफी लोगों ने खरीद लिया हो और उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट उस जोन के बाद नीचे को जरूर रिटेस्ट करे या फिर थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाए। उसको हम ओवरबॉट कहते हैं। और इसी तरह ओवरसोल्ड होता है जब मार्केट में लोग आते हैं और लोग जो हैं उस स्टॉक को काफी बेच दिया होता है और वो काफी अपने बॉटम पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद बहुत चांसेस होते हैं कि वो उसके बाद बाउंस बैक जरूर करेगा। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को आप RSI, स्टॉकेस्टिक जैसे इंडिकेटर की मदद से देख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। मार्क विंस्टन दिन भर ट्रेडिंग करते थे। उनके स्टूडियो अपार्टमेंट में उन्होंने दीवार पर चार्ट्स लगा रखे थे और उनके दोस्त उन्हें पागल समझते थे। धीरे धीरे उनके दोस्त कम होने लगे। उन्हें सपने में भी चार्ट्स आते थे और उनका सपना था कि मैं $1,000,000 कमाने का, और कुछ सालों के बाद उन्होंने $1,000,000 कमा भी लिया। उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने सपनों का महल खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब अगला ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा तब जाके मैं उससे महल खरीदूंगा। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए उन्होंने सोयाबीन के एक बड़ी सी पोजीशन बनाई और उसमें एक बार उन्हें 25% का प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हुई। उन्होंने सोचा कि जब मार्केट मुझे 350,000 के करीब पैसा देगी तब जाके मैं एग्जिट करूंगा, और इसी कारण से उन्हें भारी नुकसान हुआ। एक ट्रेडर को कभी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट का टारगेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी की मर्जी से तो चलती नहीं है कि आप जो कहेंगे कि मुझे 10% मिल जाए या 9% मिल जाए, यह आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा जो मार्केट दे रही है उससे खुश होना चाहिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत डायनेमिक होती है और कभी भी सिचुएशन बदल सकती है, तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने ट्रेड को एडजस्ट करते रहना चाहिए। मार्क रोज अपने अकाउंट में 10% पैसा गवा रहे थे क्योंकि सोयाबीन में लोअर सर्किट लग रहे थे और उन्हें बहुत शर्म आ रही थी और वो दुखी भी थे। उसके बाद वो हिम्मत हार गए और उदास रहने लगे। उन्होंने कुछ महीनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कुछ दिनों तक लॉस होने लगे या फिर आपको कुछ दिनों तक ट्रेडिंग नहीं समझ में आए तो आपको कुछ समय ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए और शांत होना चाहिए। मार्क ने कुछ महीनों बाद एक दोस्त के कहने पर टेलीडेन के कॉल ऑप्शन खरीदे। उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ और उन्होंने अपने दोस्त से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दोस्त की सीख और अपने टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन किया, तब जाके उन्हें सफलता मिली। एक ट्रेडर को हमेशा नई चीज ट्राई करनी चाहिए और नए सेगमेंट्स को ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे कुछ ट्रेडर को कमोडिटी मार्केट समझ में आती है, किसी को करेंसी मार्केट। इसी तरह हर ट्रेडर किसी न किसी सेगमेंट में एक्सपर्ट हो सकता है और ये बस आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेगमेंट कौन से टाइम फ्रेम में समझ में आता है। मार्क ने ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जो कि CBOE, जिसे शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज कहते हैं, के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस कॉन्टेस्ट में 47 ट्रेडर थे। हर ट्रेडर को $5,000 जमा किए थे और कॉन्टेस्ट जीतने वाले को सारे पैसे मिलते हैं। ये 3 महीने का कॉन्टेस्ट था और इसमें सब ट्रेडर को $1,00,000 का अकाउंट खोलना था। मार्क ने अपने $1,00,000 को $9,00,000 में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने प्रॉफिट से लेवरेज लिया और ज्यादा प्रॉफिट कमाया। मार्क किसी भी टाइम एक से ज्यादा सेगमेंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन में या फिर कमोडिटी में। ज्यादातर टाइम वो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर अपने 50% सही और या फिर 70% एक्यूरेसी लेके खुश होते हैं कि मेरी एक्यूरेसी बहुत 75% है या 55 है 65 है, और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन मार्क ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 1980 के बाद जो भी इतने ट्रेड लिए उनकी एक्यूरेसी 99% था। आपने बिल्कुल सही सुना, उनकी एक्यूरेसी थी 99%, यानी कि अगर उन्होंने 10 ट्रेड लिए
तो लगभग सभी सही गए, यानी कि 9 मान लेते हैं, 9 जो उनके सही गए। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है कि किसी ट्रेडर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। जैक स्वेगर को भी इसका यकीन नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने ले स्टीवेंस से पूछा, जिन्होंने मार्क विंसन की ट्रेडिंग को बहुत करीब से देखा था। विंसन की ट्रेडिंग बुक को पब्लिकली नहीं दिखा सकते थे, पर उन्होंने कॉन्टेस्ट के ट्रेड्स दिखाए जिसपे उन्होंने $100,000 को 9x किया था, यानी कि 9 गुना किया था। उन ट्रेड्स में उनकी एक्यूरेसी 100% थी। लेने बताया कि उनके एक हाई परसेंटेज ट्रेडर बनने का कारण उनका मेथड है। मार्क विंसन एक हाई परसेंटेज ट्रेडर हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। वो हमेशा मार्केट साइकिल को स्टडी करते हैं, उसके साथ वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एलियट वेव्स को भी यूज करते हैं। पर उनके परफेक्ट ट्रेड का जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो मार्केट में तभी ट्रेड करते हैं जब लगभग उनके सारे फैक्टर, सारे ट्रेडिंग जो मेथड है, सारे टेक्निकल्स हैं, वो उस ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हो। इस बात का मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें आपने मूविंग एवरेज, फिबोनाची, वॉल्यूम और RSI का यूज किया है, तो आप ट्रेड तब लेंगे जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया होगा, स्टॉक जो है वो किसी सपोर्ट या बाउंस पर होगा, यानी कि स्पोर्ट सपोर्ट लेके बाउंस करने की फिराक में होगा, और RSI भी ओवरबॉट में होगा। तब उसके बाद अगर जो वॉल्यूम आएगा, यानी कि जो मूव अप मूव आएगा, वो वॉल्यूम सपोर्टेड होगा, तब जाके आपका परफेक्ट ट्रेड बनेगा। मार्क विंसन कहते हैं कि मैं मार्केट से हमेशा डरता हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हूँ। आप जितने भी बड़े ट्रेडर देखेंगे वो सब मार्केट से डरते हैं। जिस तरह चीता भले ही दुनिया का सबसे तेज जानवर है और वो खुले मैदान में किसी भी जानवर को पकड़ सकता है और उसका शिकार कर सकता है, लेकिन वो हमेशा सही समय का इंतजार करता है। वो झाड़ियों में छिपा रहता है और जब उसका शिकार उसके सामने होता है और उसको लगता है कि यही सही टाइम है, तभी वो हमला करता है। उसी तरह एक अच्छा ट्रेडर भी मार्केट कंडीशन का इंतजार करता है और तभी ट्रेड लेता है जब सारे फैक्टर उनकी फेवरेबल कंडीशन में हो। मार्क खाली समय में अक्सर एक गोरैया को खाने देते थे, वो गोरैया को ब्रेड खाने को देते थे। गोरैया कभी भी एक साथ सारा ब्रेड लेके नहीं जाती थी, वो थोड़ा थोड़ा करके लेके जाती थी। उस चिड़िया से मार्क ने अपना ट्रेडिंग स्टाइल सीखा। वो उसी की तरह वो डे ट्रेड करते थे, जब मार्केट में मोमेंटम दिखता था तो वो ट्रेड लेते। चलिए अब उनके ट्रेड पिक करने के मेथड को भी जान लेते हैं। ट्रेड पिक करने के लिए वो यूज करते हैं चार्ट्स को, गैन एनालिसिस को, मूविंग एवरेज को, मार्केट सेंटीमेंट को, फिबोनाची नंबर को और ऑसिलेटर को। मार्क को सबसे अच्छे ट्रेड तब मिलते हैं जब मार्केट मोमेंटम लॉस कर रहा होता है, यानी कि रिवर्सल वाले ट्रेड, तब वो अपने अपोजिट साइड की पोजिशन लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रही हो, धीरे धीरे मोमेंटम खत्म हो रहा है, तब जाके एक बुलपिन या डोजी बनता है, तब जाके सेल साइड का ट्रेड बनता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ ट्रेडिंग सिस्टम देखना है तो आपने हाउ टू ट्रेड फॉर अ लिविंग वाली बुक में या फिर मेरे और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया है, उसमें ये रिवर्सल पैटर्न या फिर डोजी का जरूर जिक्र किया गया है। मार्केट ट्रेडिंग रूल्स को एक ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला रूल है अपना होमवर्क करके आए। अगर आप मार्केट में मान लेते हैं ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स पता होना चाहिए कि किसमें ट्रेड कर रहे हैं और क्या आपने फंडामेंटल देख लिए हैं। दूसरा रूल है हमेशा हम्बल बने रहें, क्योंकि एरोगेंस आपको लॉस कराएगी। कभी भी अपने लॉसेस से प्यार ना करें, यानी कि कभी भी ऐसा ना करें कि यार लॉस मेरे को हो ही नहीं सकता, ये मान के ना चले। आपको हमेशा मान के चलना है कि लॉस हो सकता है, इसलिए अपने लॉसेस को जल्दी बुक करें। तीसरा है अपने लिमिटेशन को पहचानें। अच्छे से अच्छे ट्रेडर कोई भी लिमिटेशन होती हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जान सकें कि आपकी लिमिटेशन क्या है। चौथा है दूसरों के ट्रेड को कॉपी ना करें। भीड़ से अलग सोचें, क्योंकि भीड़ से अगर आप अलग सोचेंगे तभी आपका पैसा बनेगा, क्योंकि भीड़ का हमेशा लॉस होता है। पांचवा, फ्लेक्सिबल रहें और नए सिस्टम को ट्राई करते रहें। एक आखिरी एडवाइस जो नए ट्रेडर को देते हैं मार्क, पैसा लॉस करना सीखें, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप लॉस करना सीखेंगे तो जब आपका लॉस होगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और बड़ा लॉस नहीं करेंगे। एक बुक है जिसका नाम रेमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर है, उसमें अपने लॉसेस को लिमिट करने के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस बुक की समरी जरूर बनाऊंगा। हमारे अगले ट्रेडर हैं रैंडी मैके, जिन्हें वेटरन ट्रेडर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में बहुत कम ट्रेडर हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और जिन्होंने अपने कुछ हजार डॉलर्स के अकाउंट को डबल डिजिट मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया है। अगर हम 20 साल के हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट निकाले तो उनमें से एक ट्रेडर का नाम आता है जिनका नाम है रैंडी मैके। उन्होंने 7 महीनों में अपने $2,000 को $70,000 में बनाया। ऐसे ही वो अपने हर साल अपने पिछले साल के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न कमाने लगे। अपने 20 साल के ट्रेडिंग करियर में उन्होंने
में 18 साल प्रॉफिटेबल दिए। 1970 में वो कॉलेज सेकंड ईयर में थे और वियतनाम वॉर शुरू हो गया। तब उनको वियतनाम वॉर के लिए कॉलेज से ही उठा लिया गया, तो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई। वॉर के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जिसके कारण वो ऑप्टिमिस्टिक बने, उनमें डिसिप्लिन आया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज उनके अंदर आया कि वो एक रूल फॉलोअर, जो कि किसी का ऑर्डर मानते हैं, उस इंसान से एक ऐसे इंसान बने जो खुद के बारे में सोच सकता है, जो कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि कॉलेज दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। उनको एक जॉब की जरूरत थी क्योंकि उनको कॉलेज कंप्लीट करना था। उनका भाई शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज में ब्रोकर का काम करता था। उसने उन्हें एक फ्लोर रनर की जॉब दिला दी। वो सुबह काम करते थे और दिन में स्कूल जाते थे और शाम को पढ़ाई करते थे। वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की पढ़ाई कर रहे थे। जब उनका कॉलेज खत्म होने वाला था तो 1972 में CME ने एक सब डिविजन लॉन्च किया IMM इंटरनेशनल मॉनिटरी मार्केट का, जिसकी सीट उस टाइम पर $100,000 की मिल रही थी, जो कि आज बनती है लगभग $500,000 के करीब। इतनी महंगी सीट होने के कारण उन्होंने उसे खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं। फिर एक्सचेंज ने इस डिविजन में लोगों को लाने के लिए $10,000 में सीट्स बेचने लगे। इसके अलावा जो भी एक्सचेंज में पहले से काम करते थे उनको एक एक सीट फ्री मिली। रैंडी मैके की भाई को भी वो सीट मिली, पर उन्हें उस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने वो सीट रैंडी मैके को दे दी। ट्रेडिंग फ्लोर में काम करते करते उन्हें नंबर्स अच्छे लगने लगे। उन्हें हमेशा से स्ट्रेटेजी वाले गेम अच्छे लगते थे, जैसे कि ब्रिज और चेस। वो प्राइसेस को फ्लक्चुएट करके देखते थे और गेस करते थे कि मूव किस तरफ आएगा। वो ट्रेडिंग फ्लोर में 2 साल तक काम करते रहे। उन्होंने पाया कि प्राइजेस जो है वो लोगों की साइकोलॉजी के कारण मूव करता है। जब लोगों में ग्रीड, फियर, एंग्जाइटी जैसे इमोशंस आते हैं, तब वो किसी स्टॉक को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। उन्होंने अपने भाई से IMM की सीट ले ली और $5,000 उधार भी लिए, जिसमें से $3,000 उन्होंने बैंक में रखे ताकि अपना खर्चा निकाल सके, और $2,000 से ट्रेडिंग की शुरुआत की। उस टाइम पर करेंसी फ्यूचर्स में लिक्विडिटी बहुत कम थी, इसलिए ज्यादातर टाइम वो खाली बैठे रहते थे और दिन में वो चेस खेलते थे या फिर बैकगैमन गेम खेलते थे। जब वो देखते थे कि किसी इंस्टीट्यूशन ने कुछ लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं बाय के, तो वो भी उसी टाइप का ऑर्डर लगा देते थे। जैसे कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने स्विस फ्रांस में लिमिट ऑर्डर बाय के लगा रखे हैं, तो वो भी ड्यूश मार्क में बाय कर लेते थे और वो एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेते थे। करेंसी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी मई 1972 में और उस ईयर खत्म होते होते उन्होंने $70,000 कमा लिए। इतना पैसा देखकर वो बहुत खुश हुए, जबकि तब उस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी और तब उन्हें करेंसी मार्केट की नॉलेज भी नहीं थी। उन्हें ये पता भी नहीं था कि बैंक फॉरवर्ड करेंसी मार्केट को ट्रेड कर रही है, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर ही होते हैं। अगर आपने मार्केट विजर्ड बुक पढ़ी है या फिर मेरी बाकी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा कि उनमें से बहुत सारे ट्रेडर एक ना एक बार जरूर बैंकक्रप्ट हुए हैं। लेकिन रैंडी मैके स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल थे। इनका टर्निंग पॉइंट सिर्फ इतना था कि वो पहले 20-40 लॉट से ट्रेड करते थे और बाद में वो हंड्रेड्स ऑफ लॉट से ट्रेड करने लगे। 1972 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो पाउंड को $1.72 से ऊपर जाने नहीं देंगे, और इस न्यूज के बाद पाउंड $1.72 से $1.68 पर आ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से $1.72 पर चला गया। जितनी बार भी वो 1.72 के करीब जाता, वैसे ही उसके बाद थोड़ा रिजेक्शन मिलता और वो नीचे आने लगता। रैंडी मैके के आसपास जो भी दोस्त थे या ट्रेडर थे, वो कहने लगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उसे $1.72 से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, तो हमें इसे सेल कर देना चाहिए। लेकिन रैंडी मैके ने इसे अलग तरीके से सोचा। उन्होंने सोचा कि ऊपर की साइड लिमिट लगी हुई है, जिसका मतलब है कि एक डिमांड जोन बन रहा हुआ है। उस टाइम तक वो 30-40 कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने 200 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए। हालांकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उनका एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन वो बहुत डरे भी हुए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती थी। वो रोज बैंक ऑफ इंग्लैंड में कॉल करते थे और पाउंड का रेट पूछते थे कि वो ऊपर गया या नहीं गया। और एक सुबह ऐसा ही हुआ, उन्होंने कॉल किया और वहां से जवाब आया कि पाउंड $1.7250 पर चला गया है। वो इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बताया कि हाँ, मैंने प्रॉफिट कमाया है ये। और 3-4 महीने बाद ब्रिटिश पाउंड $1.9 पर गया, तब जाके उन्होंने उसमें एग्जिट लिया। उस ट्रेड में उन्होंने $1.3 million कमाए। वो कहते हैं कि उस टाइम पर मार्केट काफी आसान थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन 1980s के बाद मुश्किलें बढ़ गई। 1970 में जब इन्फ्लेशन बढ़ा, तो उसके कारण मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव आने लगे और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया। और 1980s में इन्फ्लेशन घटने लगा, तब प्राइस मूव भी कम होने लगे और लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम होने लगा, क्योंकि मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बुलिश ही रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मार्केट एक्शन को देखता हूं और फंडामेंटल भी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे बाकी लोग देखते हैं। बाकी लोग सोचते कि जैसे मार्केट में सप्लाई जोन ज्यादा बन गया है तो फिर मार्केट नीचे आनी चाहिए, इसके बजाय वो देखते हैं कि मार्केट फंडामेंटल, जब कोई न्यूज आती है, कोई इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल की आती है, तब लोग उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं और वो उसके बेसिस पर ट्रेड
ट्रेड लेते हैं। रैंडी मैके का मानना था कि जब ट्रेड आसान होता है तभी वो ट्रेड लेते हैं, अगर वो मुश्किल होता है तो वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि जब एक बड़ा मूव आता है तो स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वो किस तरफ जाएगा, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जो उस मूव का टॉप होता है वो भी मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है लोग बुक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत चौपी हो जाती है। लेकिन जो मिडल का पार्ट होता है वो बहुत आसान होता है। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा उसी पार्ट को ट्रेड करता हूँ, मैं टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश कभी नहीं करता। उनको बड़े लॉसेस भी हुए, जैसे कि कैनेडियन डॉलर में हुआ, जमैका में हुआ, गोल्ड पर हुआ। उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने एक ट्रेड से। उन्होंने सीखा कि जब लॉस हो तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण उस लॉस को कवर करने में उनको 2 महीने लग गए थे। उनको कभी भी एक ट्रेड का टॉप और बॉटम ना पकड़ने का दुख कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी वॉच लिस्ट में 38 मार्केट है, और अगर 10 से 12 में मूव कैप्चर नहीं भी कर पाया तो भी मैं बाकी 10 में कर लूंगा, और वो मेरे लिए काफी है। पहला लेसन जो हमें रैंडी मैके से सीखना चाहिए, जब रैंडी मैके शुरुआती ट्रेड्स लेते थे तो वो घर जाते थे और कार्ड में लिखते थे कि लूजर ट्रेड लूजर क्यों बने और विनर ट्रेड विनर क्यों बने। जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे तब आप उन्हीं कंडीशन में ट्रेड करेंगे जिसमें विनर्स आए थे। दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन कि आपको कभी भी आउट ऑफ कैपिटल नहीं होना है। वो कहते हैं कि आप ये मान के चलिए कि आप हमेशा लगातार 20 या 30 ट्रेड लॉसेस में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कैपिटल खत्म नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब मैं अपना पहला ट्रेड लेता हूं तो उसमें 5-10% अपने कैपिटल का रिस्क करता हूं, लेकिन जब उसमें लॉस होता है और फिर मैं दोबारा ट्रेड लेता हूं तो मैं उसमें लॉस का परसेंटेज 4% रख देता हूं, और जब उसमें भी दोबारा लॉस होता है तो मैं उसमें फिर 2% रखता हूं। ऐसे करते करते मैं अपना लॉस का जो रिस्क है वो कम करते रहता हूं। अगली चीज उनका मानना है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। वो एक कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी के थे, इसलिए वो इजी पार्ट ट्रेड करते थे। उनका भाई हार्ड वर्किंग था तो वो स्प्रेड ट्रेड्स लेते थे। वो कहते हैं कि जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और वो अपने ट्रेड को एनालाइज करते हैं और वो डिसाइड कर लें कि अगर मैं सिर्फ विनर्स को ही ट्रेड करूंगा तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको अपना ट्रेडिंग का पर्सनैलिटी चूज करना है तो आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जैसे कि आप फंडामेंटल ट्रेड करते हैं या टेक्निकल, सिस्टम ट्रेडिंग यूज करेंगे या डिस्क्रिशनरी, पोजिशनल ट्रेडिंग यूज करेंगे या फिर स्प्रेड, या लॉन्ग टर्म ट्रेड यूज करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म, एग्रेसिव ट्रेड यूज करेंगे या फिर कंजर्वेटिव। ये हर 2 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक एक चूज करना है। आपको फंडामेंटल टेक्निकल में से एक चूज करना है, सिस्टम ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी में से भी एक चूज करना है। ऐसे करते करते आपके जो पर्सनैलिटी है वो आ जाएगी, जैसे कि आप सिस्टम ट्रेडिंग यूज करेंगे और पोजिशन ट्रेडिंग यूज करेंगे, उसमें भी आप शॉर्ट टर्म यूज करेंगे और थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच। इसमें एक पॉइंट आपको रिस्क बताता है, दूसरा आपको पोजीशन साइजिंग बताएगा और तीसरा आपका टेन्योर बताता है। तो इस एक्सरसाइज से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ट्रेडिंग की पर्सनालिटी है कौन सी। और एक आखिरी चीज जो कि रैंडी मैके को सक्सेसफुल बनाती है कि जिस ट्रेड में वो कॉन्फिडेंट होते हैं वो उसमें पोजीशन ज्यादा रखते हैं, और जिसमें उनको कॉन्फिडेंस कम होता है उसमें वो पोजीशन कम रखते हैं। ये पोजीशन साइजिंग और रिस्क कंट्रोल से बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस है आप उसमें 100 लॉट ले सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको नहीं है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसमें टेस्टिंग के लिए 1 लॉट ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1-10 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको सीखना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। रैंडी मैके जाने जाते हैं एज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ट्रेडिंग प्रीडेटर कंपनी। वो 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं। उनकी 2 पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रीडेटर मेथड। इस अप्रोच में वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उसमें ट्रेंड की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के बजाय वो उसमें प्राइस एक्शन की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं जो कि ट्रेंड के अंदर बन रही हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड के अंदर जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बनते हैं उनको वो देखते हैं और उनके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। प्रेडिक्टर मेथड में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ वो कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इन टूल्स की मदद से वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को डिफाइन करते हैं और पोजीशन साइजिंग भी इसी मेथड से डिसाइड करते हैं। दूसरी उनकी पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है स्नाइपर मेथड। ये भी सिमिलर है प्रेडिटर मेथड से, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम भी अकाउंट किया जाता है। इस स्ट्रेटजी में वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं देखते, स्नाइपर मेथड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए देखते हैं। इस मेथड में ट्रेडर कम से कम 1 हफ्ते या फिर 1 महीने तक का टेन्योर रखता है अपनी ट्रेडिंग का। रैंडी मैके पिछले 30 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक ट्रेडर का करियर बहुत ही बखूबी निभाया है। उन्होंने रिटेल ट्रेडर से स्टार्ट किया था, जिसमें वो स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेड करते थे, और धीरे धीरे वो
फ्यूचर मार्केट में चले गए। अपने ट्रेडिंग करियर के दौरान रैंडी मैके ने हाईली सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप की है, जो कि बेसिस है रिस्क मैनेजमेंट के, मार्केट साइकोलॉजी के और टेक्निकल एनालिसिस के। वो इन तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ही ट्रेड करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूनिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है, जिसके कारण वो अपना लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। वो न्यू ट्रेडर को कुछ एडवाइस देते हैं। तो सबसे पहले एडवाइस है कि हमेशा एक प्लान रखें। जब भी आप मार्केट में एंटर करें, सबसे पहले वेल थॉट प्लान रख ले, आउटलाइन बना ले कि आप कब एंटर करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं और रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरी एडवाइस जो वो देते हैं कि मार्केट को समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप की मार्केट है, जैसे कि स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, करेंसी, फॉरेक्स, कमोडिटी, इन सब के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि हर मार्केट के साथ अलग अलग रिस्क होता है। तीसरी एडवाइस वो देते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, ताकि आप उसमें अपने ट्रेड्स लिख सकें, जिसके कारण आप फ्यूचर में उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर पाएंगे। चौथी एडवाइस वो देते हैं कि ट्रेड विद डिसिप्लिन। आप हमेशा प्लान को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। पांचवी एडवाइस वो देते हैं, मैनेज योर रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी आउट ऑफ कैपिटल नहीं होना है। छठा एडवाइस जो वो देते हैं कि टेक प्रॉफिट। आप कभी भी, जब भी मार्केट आपके फेवर में हो, आप कभी भी हिचकिचाइए मत प्रॉफिट बुक करने से। आपको अगला ट्रेड जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर आप पैसा नहीं कमाएंगे। और सातवां और आखिरी एडवाइस जो वो ट्रेडर को देते हैं कि कट योर लॉसेस। जब भी आप गलत होते हैं ट्रेड में, हेजिटेट मत कीजिए उसे एग्जिट करने के लिए। अगर आप अभी एग्जिट कर देंगे तो हो सकता है आप जो कुछ दिनों बाद जो बड़ा लॉस हो सकता है उससे आप बच जाएंगे। इसके बजाय आपको लॉसेस बुक कर लेने चाहिए, ताकि आप जब छोटे लॉस बुक करेंगे तो आपके पास कैपिटल होगा, आप उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जिसके कारण ट्रेडर सक्सेसफुल बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास अमेजिंग चार्ट रीडिंग स्किल है, वो अच्छे से चार्ट रीड कर सकते हैं। ये पूरी तरह सही बात नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि उनके पास अलादीन का चिराग है, जो उन्हें बताता है कि कौन से स्टॉक पर बैट करना चाहिए और कौन से स्टॉक से दूर रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास स्पेशल ट्रेनिंग है, हालांकि ये कुछ हद तक सही बात है, क्योंकि उन्होंने खुद को एजुकेट किया है और स्टॉक मार्केट सीखा है, पर ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर ये बात भी गलत है तो वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? ये बात जानने के लिए जैक डी श्वेगन ने, जिनका नाम आपने ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में सुना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उन्होंने टॉप 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे जैसे कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की, आपके ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा मार्केट विजर्ड्स, जिसका मतलब है बाजार के जादूगर, मतलब वो लोग जिनके लिए मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। इस वीडियो में हम देखेंगे उनका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिनकी वजह से वह सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, जैक डी श्वेगन ने 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया। इस वीडियो में हम 5 ट्रेडर के बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता, और मैं एक ही वीडियो में इसलिए भी रखना चाहता हूँ ताकि एक ही जगह आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड बुक समरीज और वीडियो जान सकें। इस बुक के बाकी पार्ट्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो री अपलोड करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें साउंड क्वालिटी की वजह से काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडर से सीखते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का क्या सीक्रेट है। इससे पहले ट्रेडर और इन्वेस्टर में डिफरेंस जान लेते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को बाय करके पैसा कमाता है। वो तभी पैसा कमाता है जब कंपनी ग्रो करके अच्छा डिविडेंड दे और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करे। इसके अपोजिट में एक ट्रेडर तब भी पैसा कमा सकता है जब कंपनी का स्टॉक गिर रहा हो। हमारे पहले ट्रेडर जिनसे हमें सीखने वाले हैं, उनका नाम है माइकल मार्कस। जैक डी श्वेगन ने सबसे पहले इनका इंटरव्यू लिया। दोस्तों, जिस तरह आप पिक्चर में देखते हैं कि हीरो अकेला 10 विलन के बराबर होता है, उसी तरह ये भी अकेले 10 ट्रेडर के बराबर थे। दोस्तों, इन्होंने अपना करियर एक कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर एक ब्रोकरेज फर्म में स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो उस फर्म के मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के नाम से विख्यात हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 ट्रेडर के बराबर काम करते थे। यानी कि जितना 10 ट्रेडर का एवरेज रिटर्न होता था, उससे ज़्यादा ये अकेले ही कमा लेते थे।
इसी कारण वो उस फर्म के मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के नाम से जाने जाने लगे। फैक्ट की बात है कि 10 साल में उन्होंने कंपनी के लिए 2500 गुना प्रॉफिट कमाया। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो हमेशा से ट्रेडिंग में इतने सक्सेसफुल नहीं थे। स्टार्टिंग में वो बहुत बार बैंकक्रप्ट हुए, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार बैंकक्रप्ट हुए। लास्ट में उनके पास जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खोला। $700 दोस्त ने जमा किए और $700 उन्होंने जमा किए। जब ये रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे थे तब वो प्लाईवुड को एनालाइज कर रहे थे जो कि एक कमोडिटी है, और उसमें उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने उसमें बेट किया और इस ट्रेड में उन्होंने अपनी लाइफ का पहला बिग प्रॉफिट कमाया। उन्होंने अपने $700 को $12,000 कर दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके बाद कभी लॉस नहीं किया, फिर उन्होंने अपने $12,000 को $4,000 में भी कर दिया, मतलब उन्होंने लॉस उठाया। जब उन्हें ये लॉस हुआ तब उन्होंने एक रूल बनाया कि वो अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में रिस्क नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए एक रूल बनाया कि वो हमेशा अपने लॉसेस को जल्दी कट कर देंगे। ये ट्रेडर की खास बात होती है कि वो अपने लॉसेस को जल्दी मान लेते हैं। अगर आप माइकल मार्कस से सीखेंगे तो वो कहते हैं कि बेस्ट ट्रेड के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला है फंडामेंटल, जिसका मतलब है डिमांड और सप्लाई में एक इम्बैलेंस होना चाहिए, तभी स्टॉक मूव करता है। दूसरा है टेक्निकल, जिसका मतलब है चार्ट भी उसी डायरेक्शन में कोई पैटर्न शो करना चाहिए जिस डायरेक्शन में फंडामेंटल शो कर रहा है। और तीसरा है मार्केट टोन, जिसका मतलब है जब न्यूज़ बाहर आए तब स्टॉक को उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो मैं कभी ट्रेड नहीं लेता। ये ट्रेडर की खासियत होती है कि वो हमेशा रूल को फॉलो करते हैं, और आपको सबसे पहले यही सीखना चाहिए। हमारे दूसरे ट्रेडर जिनसे हम सीखने वाले हैं उनका नाम है ब्रूस कॉवनर। ये करेंसी मार्केट के वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडर हैं। करेंसी जैसे कि डॉलर, रुपीस, पाउंड, येन, जो भी आपने करेंसी सुने होंगे वो सभी ट्रेड होते हैं। ब्रूस कॉवनर ने 1987 में एक ही साल में अपने लिए $300 मिलियन कमाए, जो कि होते हैं 2160 करोड़ रुपीस। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 10 सालों तक 87% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, वो भी एनुअली। अगर आपने उनके साथ $2,000 इन्वेस्ट किए होते तो अगले 10 सालों में आप मिलियनर होते। जहां FD सिर्फ 6% के रिटर्न देता है, इन्होंने साल का 87% दिया है। ब्रूस कॉवनर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाने लगे। 1970 में उन्होंने अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ गए। करियर शिफ्ट करने के बाद फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की। उन्होंने इंटरेस्ट रेट थ्योरी को स्टडी किया। इंटरेस्ट रेट थ्योरी एक रिलेशन बताता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड और उसके मैच्योर होने के टाइम के बीच। ब्रूस कॉवनर पिरामिडिंग टेक्निक यूज करते हैं किसी भी स्टॉक में पोजिशन बढ़ाने के लिए। पिरामिडिंग टेक्निक को आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं आपको एक स्टॉक खरीदना है और उसमें 2,00,000 रुपये अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आप सारा पैसा एक ही बार लगाने के बजाय सबसे पहले बाय पॉइंट में 1/4 पोजीशन लेते हैं। जब दूसरा बाय पॉइंट आता है तो 1/4 पोजीशन बाकी लेते हैं और बाकी के जो नेक्स्ट स्विंग पर खरीदते हैं। इस तरह आप अपना पूरा अमाउंट लगाते हैं। इस तरह इस टेक्निक से उनका एवरेज प्राइस भी नहीं बढ़ता और उनको कन्फर्मेशन भी मिल जाता है कि स्टॉक सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब उनके ट्रेड करने के मेथड को समझते हैं। वो अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर दिन में मार्केट का जो प्राइस है वो सही है, और उसके बाद वो उन कारणों को ढूंढते हैं जिनके कारण वो प्राइस मूव कर सकता है और मार्केट को गलत प्रूव कर सकता है। वो उन्हीं कंपनी में ट्रेड करते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। उनका मानना है इससे रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। वो एक ट्रेड में कभी भी अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करते। हमारे अगले ट्रेडर हैं जिनसे हमें सीखना है, उनका नाम है रिचर्ड डेनिस। ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर हैं। उन्होंने अपना करियर 1960 में स्टार्ट किया एज अ कमोडिटी ट्रेडर। उन्होंने बहुत छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने $400 से ट्रेडिंग की शुरुआत की और उसे $200 मिलियन में कन्वर्ट किया। उनका मानना है कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। अपने कलीग को ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने 21 आदमी और 2 औरतों की टीम बनाई। उन लोगों को उन्होंने सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया। उन टीम मेंबर को टर्टल कहा गया। उन्होंने उन लोगों को इतना ट्रेन कर दिया कि उसमें से एक टर्टल ने 5 साल में $175 मिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया। वो हमेशा प्योर टेक्निकल अप्रोच यूज़ करते हैं। वो हमेशा चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम को यूज़ करके ट्रेड करते हैं। वो कभी भी 10% से ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तक ट्रेंड आपके साथ देता रहे तब तक आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं, क्योंकि
1988 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब उन्होंने ट्रेडिंग से संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर सन 2000 में वो दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए आ गए। जब .com क्रैश हुआ तब उन्हें थोड़ा बहुत लॉस हुआ और उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्रेडिंग छोड़ दी। उनकी ट्रेडिंग अप्रोच बुलिश मार्केट में तो अच्छा काम करती है पर बियरिश मार्केट में नहीं। वो कहते हैं कि आपको अपने लॉसेस को लिमिट में रख के अपने कैपिटल को सेव करना चाहिए ताकि आप उन ट्रेड्स में पैसा लगा सकें जिनसे आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे अगले ट्रेडर हैं जो हमें सिखाएंगे, उनका नाम है विलियम ओनील। ये वो ट्रेडर हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। उनका जन्म ओक्लाहोमा में हुआ था। उन्होंने 1962-63 में अपने $5,000 को $200,000 में कन्वर्ट किया था। उनके स्टॉक सिलेक्शन के 6 एलिमेंट होते हैं और अगर कोई भी उस 6 एलिमेंट में फॉलो करेगा तो वो उसे बाय कर लेते हैं। उन 6 एलिमेंट को शॉर्ट में कैन स्लिम कहते हैं। आइए उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है सी, यानी कि करंट अर्निंग्स पर शेयर। ये एलिमेंट कहता है कि कंपनी की प्रेजेंट में अच्छी अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए, पिछले क्वार्टर से और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वो बेस्ट है। अगला एलिमेंट है ए, एनुअल अर्निंग पर शेयर। कंपनी की एनुअली अर्निंग पर शेयर भी अच्छी होनी चाहिए और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। अगला एलिमेंट है एन, समथिंग न्यू। ये पॉइंट बताता है कि कंपनी कितनी इनोवेटिव है, क्या कंपनी के पास कुछ नए प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में पसंद किए जाएंगे। इस पॉइंट पर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करती है। अगला एलिमेंट है एस, शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के इनफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। जैसे कि अडानी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हैं, उनके मोस्टली शेयर उनके प्रमोटर के पास ही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला एलिमेंट है एल, लीडर और लैगार्ड। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तब बनता है जब वो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर हो, लैगार्ड बिल्कुल ना हो। वो कम से कम टॉप 3 में तो होनी ही चाहिए। अगला एलिमेंट है आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट होना चाहिए, इससे कंपनी में कॉन्फिडेंस आता है। अगला एलिमेंट है एम, मार्केट डायरेक्शन। फाइनल एलिमेंट कहता है कि मार्केट भी उसी डायरेक्शन में फेवर करनी चाहिए क्योंकि कोई भी स्टॉक अपने मार्केट के अपोजिट में ज़्यादा देर तक ग्रो नहीं कर सकता। अगर इनमें से एक एलिमेंट भी नहीं होता तो विलियम ओनील उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते। हमारे अगले ट्रेडर हैं डेविड रियान। ये हमारे आखिरी ट्रेडर हैं। इससे हम ये सीखेंगे कि इनके लर्निंग का मेथड क्या था। वो कभी भी लो प्राइस स्टॉक पर बैट नहीं करते। जब वो 16 साल के थे उन्होंने विलियम ओनील का वीकली चार्ट और इन्वेस्टमेंट सेमिनार को सब्सक्राइब कर रखा था। उन्होंने अपनी बड़ी सक्सेस तब मिली जब उन्होंने 1985 में US इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप जीती, इसलिए उनका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा हो गया। वो अपने लर्निंग मेथड के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने विलियम ओनील के सेमिनार से सीखा। मैं रो चार्ट्स को देखता था, मैं चार्ट्स की बैक टेस्टिंग करके ये देखता था कि जब उन्होंने बड़ा मूव दिया तो उसमें चार्ट में क्या हरकत हो रही थी, और फिर उन हरकतों को प्रेजेंट सिनेरियो में देखते थे। इसके अलावा मैंने एक डायरी भी रखी थी जिसमें मैं रिकॉर्ड रखता था अपने ट्रेड्स का। उसमें मैं ये लिखता था कि मैंने किसी स्टॉक में पोजिशन क्यों बनाई, कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया, मैंने क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। वो अपने स्टॉक सेलेक्शन के प्रोसेस को एक ट्रेजर हंट की तरह समझते हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। वो हमेशा हाई अर्निंग पर शेयर के स्टॉक को देखते हैं, तो आपको भी अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों, हम इस वीडियो की समरी पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हमने देखा मार्केट विजर्ड बुक जिसे लिखा है जैक डी स्ट्रेगन ने, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया, और इस वीडियो में हमने 5 ट्रेडर के बारे में जाना कि उनके ट्रेडिंग मेथड क्या थे, उन्हें ट्रेडिंग रूल्स क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले थे माइकल मार्कस। उनसे हमने सीखा कि वो 10 ट्रेडर के बराबर प्रॉफिट अकेले ही कमाते थे, इसलिए वो अपने फर्म के मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे। उनके अकॉर्डिंग एक बेस्ट ट्रेड के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा कि स्टॉक में डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस होना चाहिए। दूसरा था टेक्निकल, जिसका मतलब था कि चार्ट्स को भी वैसे ही पैटर्न शो करना चाहिए जिसे फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा हो। और तीसरा था मार्केट डायरेक्शन, जिसका मतलब था कि जब न्यूज़ मार्केट में बाहर आए तब स्टॉक को भी वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। अगले ट्रेडर थे ब्रूस कॉबनर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडर हैं करेंसी मार्केट के, और उन्होंने 1987 में अपने लिए $300 मिलियन कमाए थे। उनके ट्रेडिंग का मेथड है कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्टॉक प्राइस करंट मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल सही ही है, और फिर वो उन कारणों को ढूंढते हैं जिसके कारण वो प्राइस मूव कर सकता है। अगले ट्रेडर थे रिचर्ड डेनिस। इनसे हमने सीखा कि उन्होंने अपने $400 को $200 मिलियन कमाए थे। वो उस बात को मानते हैं कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है, जो प्रूव करने के लिए उन्होंने 21 मैन और 2 वुमेन की टीम बनाई थी जिन्हें टर्टल कहा गया।
उनमें से एक टोटल 5 साल में $175 मिलियन प्रॉफिट कमा के दिया। और हमने ये भी सीखा कि उनका ट्रेडिंग अप्रोच बुलिश मार्केट के लिए अच्छा है और बियर मार्केट के लिए नहीं। हमारे अगले ट्रेडर थे विलियम ओनील, जिनसे हमने ये सीखा कि 1962 और 63 में उन्होंने अपने $5,000 को $200,000 में कन्वर्ट किया। हमने ये भी देखा कि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसे कैंसलिंग मेथड कहते हैं। सी मतलब करंट अर्निंग पर शेयर, ए मतलब एनुअल अर्निंग पर शेयर, एन मतलब समथिंग न्यू, एस मतलब शेयर आउटस्टैंडिंग, एल मतलब लीडर और लैगार्ड, आई मतलब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, एम मतलब मार्केट डायरेक्शन। हमारे लास्ट ट्रेडर थे डेविड रियान, जिनसे हमने सीखा कि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही विलियम ओनील के सेमिनार को सब्सक्राइब कर रखा था और उन्होंने US स्टॉक डिवीजन चैम्पियनशिप भी जीता। उनका मेथड सिंपल है, वो कंपनी के पास चार्ट में जाकर उन हरकतों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जब स्टॉक ने बड़ा मूव दिया था उससे पहले, और उसे प्रेजेंट सिनेरियो में कंपनी में यूज़ करते हैं। जितने भी ट्रेडर हैं उनका गोल्डन रूल था कि वो लॉसेस को जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा लॉस बुक कर लेते हैं इसलिए उनका कैपिटल सेव करके रखते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें।